आज मैंने बनाई है हल्दी की सब्जी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। इस स्वाद में तो बढ़िया लगती ही है, साथ ही साथ इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत सारे हैं। आप इसे बाजरे की रोटी के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। हेलो फ्रेंड्स, भारतीय किचन में आपका स्वागत है। मैं भारती पांडे आज आपके लिए लेकर आई हूँ। कच्ची हल्दी से सब्जी बहुत ही हेल्दी होती है और सर्दियों में बहुत ही फायदे की होती है। तो इसको मैं पहले छील लेती हूँ और घिस लेती हूँ। सभी हल्दी को मैंने इस तरीके से छील लिया है। अब इसे ग्रेट भी कर लेंगे। इस तरीके से कद्दूकस में इसको घिस लेंगे। ये देखिए, सारी इसी तरीके से घिस के तैयार कर लेती हूँ। अच्छे से ग्रेट कर लिए सभी को। अब गैस पर हम कढ़ाई में घी गरम होने रख देते हैं। में मैं डाल रही हूँ ये 1 बड़ा चम्मच देसी घी है। देसी घी में ही इसे बनाना है, तभी इसका स्वाद बढ़ेगा। ये हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हींग, थोड़ा जीरा और डाल देते हैं साथ ही में थोड़ी हरी मिर्ची। अच्छे से इसको पका लेंगे। अब इसी समय पे हम इसमें डाल देते हैं ये ग्रेट करी हुई हल्दी। और इसको अच्छे से लगातार हिलाते हुए भुनना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तीन चार मिनट तक मैंने इसको पका लिया, अच्छे से पक गई है, कलर चेंज हो गया है हल्दी का और कढ़ाई में घी भी छूट गया है। अब इस समय पे हम इसमें डाल देते हैं ये आधा प्याला लगभग मटर, इसे भी भून लेते हैं। मटर भी अच्छे से पक गए हैं। अब इस समय पे मैं डाल देती हूँ इसमें ये एकदम बारीक कटे हुए टमाटर, 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं मैंने, और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है इसमें, इस तरह से इसको पकाते रहना है। टमाटर भी अच्छे से पक गए इसमें। अब इस समय पे मैं डाल देती हूँ ये आधा प्याला दही है, इसको मैंने अच्छे से घोल लिया है, ये भी इसमें डाल देती हूँ। जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाए इसे लगातार हिलाते जाएंगे। दही भी अच्छे से पक गया है। अब इस समय पे डाल देते हैं हम स्वाद अनुसार नमक, डाल देती हूँ लाल मिर्ची भी और डाल देती हूँ धनिया पाउडर भी। हल्दी इसमें नहीं डालनी है क्योंकि ऑलरेडी हम हल्दी की ही सब्जी बना रहे हैं, इसी का कलर इसमें आएगा अच्छा सा। और मसालों को भून लेते हैं। अब सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है, इसने घी भी छोड़ दिया है, ये देखिए चारों तरफ से कलर छूट गया है। थोड़ा सा हम इसमें लास्ट में धनिया पत्ती भी डाल देते हैं। गैस बंद कर देते हैं और सर्व कर लेते हैं। सर्दियों में ये बहुत ही फायदेमंद है, टेस्ट में तो अच्छी है ही। आप भी इस हल्दी की सब्जी को बनाइए और इसके हेल्थ बेनिफिट उठाइए। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी बनाकर जरूर से देखिए इस रेसिपी को और बताएं अपने अनुभव, आपको ये कैसे लगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जितना हो सके इस रेसिपी को शेयर कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जब जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप देखना चाहें जरूर देखें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।